Our new topic of chapter electric field is electric field on axial line of an electric dipole. अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल. हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करना है कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू. अब हमारे पास एक ए पॉइंट है और एक हमारे पास है बी पॉइंट. ए पॉइंट पे हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज और बी पॉइंट पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज. इनको सेपरेट किया गया है बाय डिस्टेंस 2a प्लेस्ड इन फ्री स्पेस. इनको हमने सेपरेट किया है बाय द डिस्टेंस 2a. ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 2a एंड प्लेस्ड इन फ्री स्पेस. लेट पी बी द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o ऑफ द डायपोल एज शोन इन फिगर. अब P एक ऐसा पॉइंट है जिससे के साथ हमने एक लाइन ज्वाइन की है. लाइन ज्वाइन की है हमने टू चार्जेस के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ फ्रॉम द सेंटर O. P से लेके O तक का डिस्टेंस है वो है R. इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड A. इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट ए, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. एंड ई बी वैक्टर जो प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट बी पे, वो चार्ज वो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चार्ज बी पॉइंट, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है. ठीक है, पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए जो प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा ए पॉइंट की वजह से, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा बी पॉइंट की वजह से, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर. अब ई ए वैक्टर को हमने फाइंड आउट करना है. पहले ई ए वैक्टर का मॉडुलस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई जैलोन क्यू बाय आर स्केयर. तो ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने लिख लिया ए पी स्केयर, क्योंकि हमने क्यू बाय आर स्केयर लेना ना. तो क्यू बाय आर स्केयर कैसे लेंगे, क्योंकि हमने ई ए फाइंड आउट करना है. ई ए फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, 1/4 पाई जैलोन क्यू बाय ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो हम लिखेंगे ए प्लस आर का होल स्केयर. तो हमारे पास ई ए वैक्टर का मॉडुलस क्या आ जाएगा, क्यू बाय आर ए प्लस आर प्लस ए का होल स्केयर अलोंग पी ए. अब हमने ई बी वैक्टर फाइंड आउट करना है. ई बी वैक्टर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/4 पाई जैलोन क्यू बाय बी पी का स्केयर. अब ये डिस्टेंस लेंगे बी पी का स्केयर, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी जो फाइंड आउट हो रहा है वो पी पॉइंट की वजह से हो रहा है. पी से लेके बी तक का डिस्टेंस हम लेंगे, तो ये पी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर. तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी से लेके ओ तक टोटल आर हो जाएगा. ये माइनस करेंगे ए डिस्टेंस, ये वाला ए डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा. तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी है वो ग्रेटर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए से, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्ट अलोंग द सेम लाइन. अब देखेंगे कि जो ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर है वो एक ही लाइन पे लग रहा है. जो ई ए वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है और जो ई बी वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम लाइन पे प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. और जो ई बी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट पे जो वेक्टर है वो ग्रेटर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए के. ठीक है, उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा, ई बी जो है वो ग्रेटर है ई ए से, तो क्या लिखेंगे, ई बी माइनस ई ए. तो पहले ई बी वेक्टर मॉडुलस की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 1/4 पाई जैलोन क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर. माइनस भी ई ए वेक्टर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, वो क्या होती है, क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर. 1/4 पाई जैलोन हम ऐसे ही लिखेंगे, क्यू इन दोनों में से क्यों कॉमन आ जाएगा, और आर 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर का एलसीएम लेंगे हम, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा. तो ऊपर क्या आ जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर. ये टर्म हमने कैसे लिखी है, ये जो टर्म हमने लिखी है 1/4 पाई ज़ाइलो नोट जो है हमने यहाँ से कॉमन लिया है,
वन बाय फोर पाई जैलो नोट क्यू जो है हमने यहाँ से कॉमन लिया इन दोनों टर्म से, और जो अंदर ब्रैकेट के इनसाइड रह जाएगा उसका एलसीएम लेके हमारे पास ये टर्म आएगी। आर प्लस ए का होल स्क्वायर की ब्रैकेट हमने ओपन करनी है, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर की ब्रैकेट ओपन करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा वन बाय फोर पाई जैलो नोट क्यू तो रहेगा ही, और जो न्यूमरेटर में हमारे पास ब्रैकेट ओपन करके आएगा वो आएगा फोर आर ए, और जो नीचे हमारे पास टर्म रह जाएगी आर माइन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास टर्म रह जाएगी। डायपोल मोमेंट होता क्या है, क्यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस टू ए। तो डायपोल मोमेंट अभी हमने डेफिनेशन की थी लास्ट लेक्चर में, डायपोल मोमेंट को पी के साथ डिनोट करते हैं, तो पी क्या होता है इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई टू ए, तो क्यू मल्टीप्लाई टू ए आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल, अब इस टर्म को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, वन बाय फोर पाई जैलो नोट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है क्यू, तो क्यू फोर आर ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टू पी आर, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही है टू ए और यहाँ पे हमारे पास है फोर ए, तो इसको लिखेंगे क्यू हमारे पास क्यू जो है हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और फोर आर ए को हम लिखेंगे दैट इज टू पी, तो इसकी वैल्यू जो है हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है न्यूमरेटर में, तो हमारे पास ई आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्चुअल डायपोल मोमेंट। इट मे बी नोटेड दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल एक्चुअल लाइन ऑफ द डायपोल ऑफ द चार्ज माइनस क्यू टू क्यू इज सेम इलेक्ट्रिक, इसको वैक्टर नोटेशन में हमने लिखना है। वैक्टर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैक्टर क्वान्टिटी होता है, तो इसको लिखेंगे ई वैक्टर, डायपोल मोमेंट होता है वो भी वेक्टर में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इन द वेक्टर नोटेशन जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। व्हेन द डायपोल इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, अगर डायपोल बहुत स्मॉल लेंथ का है तो क्या होगा कि ए जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत कम होती है आर के, तो ए की वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वन बाय फोर पाई जैलो नोट टू पी बाय आर क्यूब। तो ये हमारे पास डेरिवेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास एक कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, हमारे पास चार्जेस हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है टू ए। हमने एक P पॉइंट लिया है इक्वेटोरियल लाइन पे जिसका डिस्टेंस है R, सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये क्या है R है, ठीक है। EA वेक्टर एंड EB वेक्टर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं एट पॉइंट B पे, एट पॉइंट P पे, और जो EA वेक्टर जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट A की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो EB वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट B की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो B के सामने हम EB वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है और A के सामने EA वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों ही इक्वेटोरियल लाइन पे है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। EA वेक्टर का फॉर्मूला हमने अभी किया था 1 बाय 4 पाई जैलो नोट क्यू बाय AP स्क्वायर, क्यू बाय A से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब AP को हम क्या लिखेंगे, R प्लस A का होल स्क्वायर। AP क्या होगा, इसको हम लेंगे हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा, ये आया हाइपोटेन्यूस AP। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 4 पाई जैलो नोट क्यू बाय BP स्क्वायर, BP स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ये भी क्या आएगा R प्लस A का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ईए वेक्टर की वैल्यू और ईबी वेक्टर की वैल्यू दोनों सेम आई है। टू फाइंड द रिजल्टेंट, अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एल एंड पी एम ऑफ ए पैरेललोग्राम, हम क्या करेंगे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे पी एल एंड पी एम, और N के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अभी ये हमारे पास क्या बन गया, पी एम एन एल एक पैरेललोग्राम बन गई है। जो डायगोनल पी एन है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एन रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल हम लेंगे पी ए बी, ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम पी ए बी, ये वाली जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो लेंगे, पी ए वैक्टर, बी पी वैक्टर एंड बी ए वैक्टर। तो ये करेंगे हम, पी ए वैक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ए वैक्टर, जो ये पी ए वैक्टर है इसको ई ए वैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी पी वैक्टर है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ई बी वैक्टर, ये वाला ई बी वैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है बी ए वैक्टर, ये जो बी ए वैक्टर है इस बी ए वैक्टर के पैरल कौन सी लाइन है, पी एन वाली लाइन जो है इसके पैरल है। तो बी ए वैक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन के ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन जो है पैरल है, तो इसको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर्स लगाएंगे हम। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वैक्टर क्या कहता है कि जो ई वैक्टर है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ए, ई ए वैक्टर जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए, ई बी वैक्टर जो है कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिजल्टेंट ई वैक्टर क्या होगा, इस ई वैक्टर को रिजल्टेंट जो होगा बी ए जो है हम इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे पी ए के साथ। पहले फर्स्ट और सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इन दोनों को इक्वल करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ई वैक्टर बी ए, बी ए जो है इस टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई ए वैक्टर मॉडुलस की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, बी ए क्या है, डिस्टेंस क्या है बी ए का, हमारे पास ये ए प्लस ए क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। उसके बाद पी ए की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, टू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी ए की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो हमने पाइथागोरस लेके, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने पी ए स्क्वायर कैलकुलेट किया था। पी ए स्क्वायर को जगह पी ए लगाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन बाय टू, वन बाय फोर पाई ज़ाइलोनोट, कि पी क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई टू ए, क्यू मल्टीप्लाई टू ए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन प्लस वन बाय टू क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्विटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हमने वैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ई वैक्टर पर यहाँ पे ई वैक्टर आ जाएगा, और पी डायपोल मोमेंट वो भी वैक्टर नोटेशन में लिख देना है। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। अगर डायपोल की लेंथ बहुत स्मॉल होगी तो क्या होगा, ए स्क्वायर रिजेक्ट हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 बाय 2 क्या हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा।